वेलकम टू नेस्ट नेकैडमी हेलो एव दिस इज़ योर एजुकेटर शली सिंह एंड आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्योंकि रिसेंटली गिरीश चंद मुर्मू टुक चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है तो इस न्यूज़ के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं और अगर आप ये न्यूज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ईजली आपका जो एक बड़ा चैप्टर है कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं न्यूज़ के साथ जो स्टैटिक है उसको रिलेट करवाऊँगी और किस तरीके से बिना रटे आप किसी चैप्टर को समझ के ईजिली उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप आराम से जान सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो न्यूज़ में क्या था न्यूज़ में था प्रेसिडेंट कोविंद एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन सेकेंड पॉइंट जी सी मुर्मू विल हैव अ टेनबर अप टू नवंबर ट्वेंटी 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 फोर द राष्ट्रपति भवन सेट थर्ड पॉइंट मुर्मू सक्सीडेड राजीव महर्षि तो राजीव महर्षि कौन थे जी सी मुर्मू के पहले कंट्रोलर एंड एनऑटर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे राजीव महर्षि जो कि 1978 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ राजस्थान कैडर हैं उनका जो टर्म है वो ऑगस्ट सेवन को कम्प्लीट हुआ है फोर्थ पॉइंट है मुर्मू अ 1985 बैच आईएएस ऑफिसर एब्रप्टी टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन वे फिफ्थ ऑगस्ट 2020। ट्वेंटी द डे द यूनियन टेरिटरी मार्क्ड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर हम सभी को पता है 2019 में फिफ्थ अगस्त को आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है जिसके थ्रू जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो भी हट गया है इसलिए 2019 में अक्टूबर 29 को जीसी मुर्मू को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का उसी पोस्ट से उन्होंने 2020 में फिफ्थ अगस्त को रिज़ाइन किया है तो अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है तो उनकी पोस्ट किसने ली है उनकी पोस्ट मनोज सिन्हा जी ने ली है अगस्त सेवन को तो ये सब था जो मेन पॉइंट्स थे वो न्यूज़ के वो ये सब थे अब हम स्टैटिक क्या है उसको समझेंगे आप ये न्यूज़ को अच्छे से या फिर याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए और वैसे आपको अगर इसका का पी चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा तो अब हम स्टैटिक पोर्शन किस तरीके से रिलेट करना है वो देखेंगे अब हम देखेंगे कंट्रोल एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया होते कौन हैं तो जब हमने सेल इन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तब हमने इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था वो इसलिए बनाई गई हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन कि वो गवर्नमेंट पे चेक्स रख सकें आप सभी को पता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है चेक्स एंड बैलेंसेस उसका मतलब है कि जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को होनी चाहिए तभी एक सही डेमोक्रेसी कहलाती है तो उस इन्फ़ॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का जो काम करती हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज करती हैं तो इंडिपेंडेंट बॉडी में एक नाम है कंट्रोल एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक इस पोस्ट के बारे में बताया गया है कि ये किस तरीके से काम करेंगी जिनकी जो रिपोर्ट है उस वो किस तरीके से रहेंगी ये सब आर्टिकल 148 से 151 तक बताया गया है इसका जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो इसकी रैंकिंग है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से वो है नाइन्थ और इसका जो स्टेटस है वो इक्वल है जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट के ठीक है अब हम एक एक करके आर्टिकल्स क्या बोलते हैं उनको समझ लेते हैं तो आर्टिकल 148 डिस्क्राइब करता है हु इज कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है सो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया हु शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वॉरेंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल ओनली बी रिमूव फ्राम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो फर्स्ट पॉइंट में यह बोला गया है कि जो कंट्रोलर एंड ऑर्टर जनरल ऑफ इंडिया है उन्हें कौन अपॉइंट करेगा उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और इन्हें प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं निकाल सकते हैं इन्हें अगर निकाला जाता है तो उसी प्रोसेस में निकाला जाता है जिस प्रोसेस में एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है विच इज़ वेन दे आर प्रूव वन मिस बिहेवियर और इनकेपेबल तो अगर वो मिस बिहेवियर या इनकेपेबल हैं तभी इस पोस्ट से उन्हें निकाला जाता है उसके अलावा कोई भी रीज़न हो इन्हें कोई निकाल नहीं सकता है सेकेंड पॉइंट एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया शैल Before he enter upon his office, make and subscribe before the President or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation, according to the form set out for the purpose in the third schedule. Second में ये लिखा गया है कि जो uh, Controller General of India है, वो oath लेंगे किस किस सामने, President के सामने। अगर President available नहीं है, तो वो appoint करते हैं कुछ लोगों को जिनके सामने ओथ लेनी पड़ती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को और जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई है थर्ड पॉइंट है द सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शेल बी सच एज मे बी डिटामाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड दे आर सो डिटमाइंड शेल बी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल प्रोवाइडेड दैट नीदर द सैलरी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल नॉर हिज़ राइट्स इन रिस्पेक्ट टू द लीव ऑफ एबसेंस पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट शैल बी वेरिड टू हिज डिसएडवाटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें निकाला नहीं जा सकता अपनी मर्जी से उसी तरीके से जो इनकी सैलरी है इनके बाकी जो बेनिफिट्स हैं उसे गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती है क्योंकि वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं ठीक है उनकी सैलरी सेकेंड शेड्यूल में लिखी गई हैं और उनका हमने पहले ही देख लिया है कि जो उनके राइट्स हैं वो सारे इस आर्टिकल में लिखे गए हैं फोर्थ पॉइंट है द कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही हैज सीज टू होल्ड इस ऑफिस तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जो भी इस पोस्ट में आते हैं वो फर्दर एलिजिबल नहीं होते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट में आने के लिए जब उनका ऑफिस ये ख़त्म हो जाता है इसका तनुआ ख़त्म हो जाता है कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल का तब वो किसी भी दूसरी गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इस पोस्ट में जो भी आता है वो अनबायस्ड रहता है फिफ्थ पॉइंट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सनस सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शेल बी सच एज मे बी

कंसल्ट किससे करते हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ कंसल्ट करने के बाद वो ये सब रूल्स बनाते हैं जो कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो इंडियन ऑडिट के अंदर ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए अप्लाइड होता है ठीक है सिक्स पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज अलाउेंसेज एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन सर्विंग इन दैट ऑफिस शेल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो इनकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सैलरीज होते हैं वो कहाँ से आते हैं कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया ठीक है तो ये आर्टिकल 148 है जिसमें ये सब बताया गया है कि ऑल्टर जनरल कौन होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं ठीक है थीके? अब ये देखते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं तो जो ड्यूटीज़ हैं और जो पावर्स हैं वो आर्टिकल वन में डिस्क्राइबड हैं तो आर्टिकल 149 क्या कहता है देखते हैं द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल शेल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड अनटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड शेल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन and of state as were conferred on or exercisable by the auditor general of india immediately before the commencement of this constitution in relation to the accounts of the dominion of india and of the provinces respectively तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं उनकी जो मेन ड्यूटी है वो है अकाउंट्स हैंडल करने की यूनियन और स्टेट की और कोई दूसरी बॉडीज़ जिसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर है तो वो सबके जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसे कौन हैंडल करता है कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल हैंडल करते हैं तो ये उनकी मेन ड्यूटी है ठीक है जो कि आर्टिकल 149 में लिखी गई है आर्टिकल 150 बताता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स तो आर्टिकल 150 में बोला गया है द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ स्टेट्स शेल बी कैप्टन सच पॉम एज द प्रेसिडेंट मे ऑन एडवाइज़ ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब तो ये जो आर्टिकल 150 है इसमें ये बोला गया है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि, कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें रखना है आर्टिकल 51 आर्टिकल 151 बताता है ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में तो जो रिपोर्ट्स हैं

उसी तरीके से द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट शेल बी सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु शेल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जिस तरीके से यूनियन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को मिलती है उसी तरीके से स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को मिलती है फिर वो लेजिस्लेचर के सामने उसे प्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक ये बताया गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते कौन हैं उनके राइट्स क्या होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं जो अकाउंट्स होते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है और जो ऑडिट रिपोर्ट्स आती है उसको किस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं ये सब आर्टिकल 148 से 151 में बताया गया है तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम डायनेमिक के साथ स्टैटिक को रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे तो पहला पॉइंट था कि प्रेसिडेंट कोविंद के सामने जी सी मुर्मू जी ने ओथ ली है तो हमारा जो आर्टिकल 148 है उसका पहला पॉइंट ये बताता है कि अपॉइंट कौन करेगा इस पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ओथ किसके सामने ली जाएगी प्रेसिडेंट के सामने ली जाएगी अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वो अपॉइंट करते हैं कुछ लोगों को जिसके सामने ओथ ली जाती है ओथ कहाँ लिखी गई है थर्ड शेड्यूल में लिखी गई है ठीक है जो थर्ड पॉइंट है सैलरी की बात करता है तो सैलरी इनकी कितनी होती है इनकी सैलरी जितनी सैलरी जज की होती है सुप्रीम कोर्ट की उतनी सैलरी ही इनकी भी होती है ठीक है हमने इस पॉइंट के पहले भी पढ़ा है कि जो स्टेटस है वो इक्वल है जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट के ठीक है तो उसी हिसाब से सैलरी भी उनकी इक्वल है फोर्थ पॉइंट बताता है कि ये किसी फर्दर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस पोस्ट ठीक है तो इसलिए वो किसी भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए बायस नहीं रहेंगे क्योंकि वो किसी भी इस पोस्ट को ख़त्म होने के बाद किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट बताता है कि जो रूल्स हैं काम करने के वो कौन बनाता है प्रेसिडेंट बनाते हैं जो कि जो कंसल्ट करते हैं वो किससे करते हैं कैक्सर से करते हैं सिक्स पॉइंट जो बताता है एक्सपेंसेस के बारे में बताता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस इनके सारे एक्सपेंसेस निकलते हैं तो ये सब बातें थी 148 की जो कि हमारे डायनेमिक के साथ रिलेट इस तरीके से होती है कि कौन उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करते हैं ओथ किसके सामने ली जाती है प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ठीक है सैलरी की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है उसके बाद हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि जो ये पोस्ट में आते हैं वो सारे आई ऑफिसर होते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पोस्ट में आने के लिए एक आई ऑफ़िसर को ही लाया जाता है क्योंकि जिस तरीके से ये पोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से इस पोस्ट में आने वाला इंसान भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए एलिजिबल तभी होता है तब जब वो आई ऑफिसर होता है तो इस तरीके से आपका डायनेमिक भी हो गया आपका स्टैटिक भी हो गया आर्टिकल वन में ड्यूटीज़ बताई गई है आर्टिकल वन बताई गई हैं आर्टिकल वन में ये बताया गया है कि किस तरीके से कैक सर प्रेसिडेंट सर को बताते हैं कि इन अकाउंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है किस तरीके से रखना है उसके बाद आर्टिकल 151 में ये रिपोर्ट्स की बात करता है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो जो यूनियन की है वो प्रेसिडेंट को मिलेगी और जो स्टेट की है वो गवर्नर को मिलेगी फिर प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं और जो गवर्नर हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है आई होप आपको जिस तरीके से मैंने डायनेमिक के साथ स्टैटिक को रिलेट करके समझाया है उससे आपको अच्छे से समझ आए आपका ये चैप्टर ईजिली हो पाए और वैसे हम इस चैप्टर को हमारी जो पॉलिटी सीरीज़ है उसमें भी कवर करेंगे फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एज़ वेल एज इंस्टाग्राम क्योंकि टेलीग्राम में हम सारी पी डी एफ शेयर करते हैं इस वीडियो की पी डी एफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ हम डेली क्विज कंडक्ट करते हैं और उसके इन डिटेल आंसर हम रात को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपका रिवीजन है अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी उन इन डिटेल आंसर से आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है ठीक है और जो हमारी करेंटली रिलीज संचय है विच इज़ फॉर छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन इन इंग्लिश हमने वो भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की है So, please join us on Telegram channel to avail this magazine and have a nice day.